नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। नंगल श्री अनंतपुर साहिब मुख्य मार्ग पर गांव उजोली के निकट एक कार की चपेट में आने से 15 वर्षीय बालक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल नंगल में भर्ती करवाया गया है। उजोली निवासी बख्शीश सिंह की माने तो उसका बेटा अपने साइकिल पर डायरी में दूध देने गया था कि एक कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और घायल होने के कारण उसे सिविल हॉस्पिटल लेकर आए हैं, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार देने के उपरांत एक्सरे करवाने को कहा है और एक्सरे करवाने लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस हादसे की जानकारी उसे किसी परिचित ने फोन पर दी थी। क्या कहा बख्शीश सिंह ने पहले जय सुने। नाम बोलो। बख्शीश सिंह। बख्शीश कितने जा रहे थे बेटा थोड़ा? ये दूध लेके जा रहे थे डेयरी देन वास्ते। हां जी देन। हां हां। फिर थोनू कितना पता लगा? सानू फोन कीता जी फिर पिंड वाले ने। हां हां जी। ठीक है बेटा थोड़ा? हां जी ठीक है जी। थोनू सट्टा लगया ते डॉक्टर ने की किया थोनू? हां ठीक है। एक्स वो कहंदे एक्सरे कराण कहंदे जी। हां हां जी। एक्सरे कराण 10 बजे। हां जी चलो ठीक। उधर कार चालक कुलदीप कुमार की माने तो वह अपने एक साथी के साथ नदौन से चंडीगढ़ की ओर जा रहा था कि उनकी गाड़ी के आगे चल रहे टिप्पर ने अचानक ब्रेक लगा दी, क्योंकि उसके आगे एक बैल आ गया था। उससे बचने के लिए उसने जैसे ही अपनी कार को दूसरी ओर मोड़ा तो उसकी गाड़ी सड़क किनारे अपने साइकिल पर खड़े बालक से जा टकराई और बालक गोबर के ढेर पर जा गिरा और उसकी कार भी गोबर के ढेर से टकराकर रुक गई, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। क्या कहा कुलदीप कुमार ने जय भी सुने। सर नाम बोलो। कुलदीप कुमार। कुलदीप जी थोड़ा कितों आ रहे तुसी? मैं आ गया थी नदौन। जाना कितने जी? चंडीगढ़ जा रहा। किद्दा हुआ हादसा है? मेरे से आगे ट्रक चल रहा था। हाँ। मतलब स्पीड में था ट्रक और ट्रक के आगे एकदम से बैल आ गया और जैसे ही बैल आया तो ट्रक ने एकदम से ब्रेक लगाई और क्योंकि हाईवे पे थे तो हाईवे पे जो है रफ्तार 50-60 पे तो अमूमन होती है स्पीड जो होती है, तो जैसे ही ट्रक ने एकदम से ब्रेक लगाई अब मैंने गाड़ी बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि इंचों में बची होगी ट्रक से लगने से। अगर ट्रक में गाड़ी चली जाती तो वो बड़ा हादसा हो सकता था। जैसे मैंने साइड में गाड़ी निकाल ली, कट लगाया साइड में, तो साइड में जो है वो ये बच्चा खड़ा था, है ना। खुशकिस्मती ये रही कि सामने से को आगे से गाड़ी नहीं आ रही थी तो बड़ा हादसा होने से टल गया। बच्चा था, बच्चा जो है वो साइकिल पे था और साइकिल पे अब मुझे अब याद नहीं कि बैठा नहीं था, मेरे साइकिल के ऊपर नहीं था, वैसे खड़ा था। तो जैसे ही गाड़ी के साथ साइकिल का पिछला टायर अगला टायर लगा और बच्चा जो है साइड में गोबर के ढेर के ऊपर गिर गया, जिससे कि बड़ा हादसा होने से टल गया। और आप भी ठीक हैं? हाँ मैं भी ठीक। बच्चा भी ठीक है? बच्चा भी ठीक है। क्या कहा कार में सवार दूसरे व्यक्ति कृष्ण कुमार ने जय भी सुने। जी मेरा नाम कृष्ण है जी। कृष्ण जी ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਦੌਣ ਤੋਂ ਨਾ, ਨਹਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗਾਹ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਟਿੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਿੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਈਡ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ? ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਕਿਆ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਟਿੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ? ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਈਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ। ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੇ? ਦੂਜਾ ਉਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗਏ ਲੈ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਕਿਆ ਕਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਅਕਸ਼ ਦਰਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਪਿੰਡ ਅਜੋਲੀ ਤੋਂ। ਵਿਜੇ ਜੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ਇੱਥੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਦਸਾ ਜੀ ਟਿੱਪਰ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਮੂਹਰੇ ਗਾਂ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਇੱਧਰ ਕੱਚੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਜੀ। ਮੂਹਰਾ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਜੋਲੀ ਦਾ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਡੈਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ 'ਚ ਲਾਤੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही, मुझे दे इजाजत, धन्यवाद।
सैनी इलेक्ट्रॉनिक नंगल श्री अनंतपुर साहिब मुख्य मार्ग गांव ब्रह्मपुर, यहां आपको मिलेंगे एलजी और सैमसंग कंपनी के फ्रिज, एलसीडी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा सलीप बेल के गद्दे और क्रॉकरी का सामान भी, वह भी नए नए डिजाइनों और बाजार से सस्ते दाम पर। तो देर किस बात की है, जल्द पहुंचे सैनी इलेक्ट्रॉनिक गांव ब्रह्मपुर। हमारा फोन नंबर है 9876972127। चोपड़ा सिलाई मशीन एंड कॉस्मेटिक अड्डा मार्केट नंगल, यहां आपको मिलेगा कॉस्मेटिक का हर वो सामान जो ब्यूटी पार्लर, सैलून व महिलाओं के प्रतिदिन प्रयोग में आता है। यही नहीं, इसके अलावा सैलून की कुर्सियां, सोफा, दुल्हनों के लिए फैंसी चूड़ा, नेल आर्ट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरी व सेंट इत्यादि बाजार से सस्ते व थोक दाम पर मिलते हैं। एक बार जरूर सेवा का मौका दें। हमारा फोन नंबर है 9815482433, दूसरा 9878888858। क्या आप नजर अथवा धूप से बचने वाले चश्मे लगवाने की सोच रहे हैं, वो भी ब्रांडेड और बाजार से सस्ते दामों पर? तो सोच क्या रहे हैं, जल्द पहुंचे वशिष्ठ ऑप्टिकल नंगल संतोषगढ़, मुख्य मार्ग आजौली मोड़। यहां आपकी नजर ऑटोमेटिक मशीनों से जांच करने के उपरांत आपके चेहरे के हिसाब से चश्मा लगाया जाता है, वो भी चंद मिनटों में। और हाँ, नजर चेक करने की कोई फीस भी वसूल नहीं की जाती। हमारा फोन नंबर है 9915584190, तो जरूर एक बार सेवा का मौका दें। स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर जन्नत रेस्टोरेंट नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग, एक बार सेवा का मौका जरूर दें।